5 नवंबर को समाजवादी पार्टी के रजत जयंती समारोह से पहले नए महागठबंधन की कवायद शुरू। एसपी नेता शिवपाल यादव ने शरद यादव, लालू यादव, अजीत सिंह, अभय चौटाला समेत समाजवादी विचारधारा वाले तमाम नेताओं को चिट्ठी लिखकर किया आमंत्रित। नीतीश कुमार समारोह में नहीं होंगे शामिल। सिमी आतंकियों के मारे जाने के बाद सियासी एनकाउंटर तेज। कांग्रेस और आप ने एनकाउंटर पर जताया शक। 8 में से 4 आतंकी यूपी के बिजनौर ब्लास्ट में थे शामिल। यूपी एटीएस के पास है पुख्ता जानकारी। पुलिस एनकाउंटर की निष्पक्ष, प्रभावी और गहन जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश। जानकारी मिलने पर केस डायरी में दर्ज हो मामला। एनकाउंटर में मौत होने पर तुरंत दर्ज हो एफआईआर। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र ने दिल्ली और गुवाहाटी हाई कोर्ट में नियुक्ति के लिए 10 नामों को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे गए नाम। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के दिए आदेश। कोर्ट ने 2 दिन में नवाज शरीफ से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। नमस्कार, देश की बात के साथ मैं हूं आपके सामने राजश्री। इस खास कार्यक्रम में आपको हम बताएंगे कि किसने भारत में रक्षा सौदों के लिए एक ब्रिटिश कंपनी से लिए करोड़ों रुपए, और सीबीआई किस तरह से प्रभावित करती है इस तरह के जांचों को, और वो कौन सा निदेशक है जिसने बिना जांच के कई मामलों में दे दी इसी शख्स को क्लीन चिट। बताएंगे क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, और कहीं हो रही है गठबंधन की बात तो कहीं शुरू हो रहा है रैलियों का दौर, और कितना फर्क पड़ेगा इन सभी से उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, और क्यों लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है पाकिस्तान। साथ ही बताएंगे कि कैसे बढ़ सकती हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की मुश्किलें, और हम ये भी बताएंगे कि जजों की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ नया प्रयास किया है सरकार ने। अमेरिकी चुनाव पर हमारी खास नजर होगी, और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में एफबीआई जांच का असर हिलरी क्लिंटन के चुनाव प्रचार पर भले ही देखने को मिल रहा हो, लेकिन अंत में कैसे इसका फायदा हिलरी को ही होगा ये सब आपके सामने हम रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। और आज की खबर में सबसे बड़ी खबर आपके सामने है, और ये खबर है भारतीय रक्षा सौदे से जुड़ी हुई। भारतीय रक्षा सौदों में दलाली को लेकर एक बड़े खुलासे से जो सामने आई है एक जानकारी, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ब्रिटिश कंपनी रॉल्स रॉयस पर बड़ा सौदा हासिल करने के लिए भारत में दलाल को करीब 10 मिलियन पाउंड यानी करीब 82 करोड़ रुपए देने का आरोप लगा है। खबरों के मुताबिक रॉल्स रॉयस ने भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल में अपने हॉक एयरक्राफ्ट के इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए दलाल को घूस का भुगतान किया है। और वो कौन सा दलाल है जिसको ये घूस दिया गया था, ये रिश्वत दी गई थी, और किस तरह से सौदा जब होता है रक्षा आयुधों का तो किस तरह की दलाली की जाती है, देखिए पूरी रिपोर्ट आपके सामने। भारतीय रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। भारत में रक्षा सौदों को लेकर खुलासा हुआ है कि एक ब्रिटिश कंपनी ने भारतीय एजेंट को करीब 82 करोड़ रुपए दिए। इस कंपनी ने केवल भारत में ही नहीं 12 देशों में भी आकर्षक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए बिचौलियों या एजेंट की मदद ली। बताया जा रहा है कि ब्रिटेन की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल रॉल्स रॉयस नाम की कंपनी ने डील फाइनल करने के लिए ये रकम दी। भारतीय वायुसेना के इस्तेमाल में आने वाले हॉक एयरक्राफ्ट के इंजन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए कंपनी ने ये सीक्रेट पेमेंट्स किए। हथियारों के डीलर सुधीर चौधरी को कंपनी ने इन पैसों का भुगतान किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल लंदन में रह रहे सुधीर चौधरी पर रक्षा सौदों को लेकर पहले से दलाली का आरोप है। भारत सरकार ने भी चौधरी को ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। गार्डियन और बीबीसी ने इस मामले की तहकीकात की है। उन्होंने कई लीक दस्तावेज और बिचौलियों के बयान के आधार पर यह कहा कि रॉल्स रॉयस ने गैर कानूनी तरीके से पैसों का इस्तेमाल कर वर्षों लाभ कमाया। अब ब्रिटेन और अमेरिका की भ्रष्टाचार निरोधक इकाइयों के सामने व्यापक पैमाने पर इन एजेंटों के नेटवर्क का पता लगाने का जिम्मा है। इससे पहले सीबीआई ने एम्ब्रॉयर एयरक्राफ्ट डील की शुरुआती जांच में पाया था
कि करीब 36.5 करोड़ रुपए कमीशन के तौर पर दिए गए। सीबीआई का कहना था कि ब्राजील की कंपनी से हुई इस डील में कमीशन की राशि विदेश में गई। एक ब्राजीली अखबार ने हाल ही में आरोप लगाया था कि कंपनी ने सऊदी अरब और भारत में सौदा हासिल करने के लिए बिचौलियों की सेवा ली थी। भारत के रक्षा खरीद नियमों के मुताबिक इस तरह के सौदे में बिचौलियों पर सख्ती से प्रतिबंध है। ब्राजील के अखबार के फोल्हा डी साओ पाउलो ने लिखा कि कंपनी ने ब्रिटेन में रहने वाले एक रक्षा एजेंट को भारत के साथ सौदे को अंतिम रूप देने के लिए कथित तौर पर कमीशन का भुगतान किया था। ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। इस रक्षा सौदे में किस शख्स ने रिश्वत ली, इसका नाम अब आपके सामने है। ये शख्स है सुधीर चौधरी, जिसने 82 करोड़ रुपए जिसे अदा किए गए इस सौदे को कराने के लिए। और सुधीर चौधरी को ब्रिटेन, इजराइल समेत कई देशों में खासा रसूख हासिल है। इससे पहले इसका और इसके साथी जिंजर पीटर नाम का जो था उसका साथी, वो अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर की डील में भी इन दोनों का नाम उछला था। कम से कम दो मामलों में सुधीर चौधरी के खिलाफ सीबीआई ने प्रारंभिक जांच भी की और लेन देन के सबूत होने का दावा किया, लेकिन सुधीर चौधरी का जांच एजेंसी पर इतना असर था कि दोनों ही मामले अंजाम तक पहुंचने से पहले बंद कर दिए गए। आखिर ये सब कुछ क्या था और सीबीआई ने क्यों ऐसा किया, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको एक रिपोर्ट में। सुधीर चौधरी उर्फ बन्नी, लंदन में भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक, रसूख इतना कि इजराइल में उसके खिलाफ लिखने पर भी पाबंदी है। यूरोप में उसकी पहुंच इस बात से साबित होती है कि हाल ही में वीवीआईपी हेलीकॉप्टर डील में भी उसका नाम उछला था। इस बार रॉल्स रॉयस कंपनी के इंजन सप्लाई के काम के बदले सुधीर चौधरी या उसके परिवार और दोस्तों से जुड़े 18 बैंक खातों में 1 करोड़ पाउंड यानी करीब 82 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ब्रिटेन के सीक्रेट फॉर ऑफिस की तहकीकात में जानकारी सामने आई। सुधीर चौधरी रक्षा दलाली का एक बड़ा नाम है, जिसकी मदद की दरकार रूस, इसराइल और यूरोप की रक्षा सामान बनाने वाली तमाम कंपनियों को हमेशा रहती है। देश में सुधीर चौधरी का जलवा इसी बात से साबित होता है कि दो मौकों पर सीबीआई ने उसके खिलाफ जांच शुरू की। सबूत होने के बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन सीबीआई ने दोनों मामले अचानक दाखिल दफ्तर कर दिए। इनमें से एक मामला तोपखाने की खरीद से जुड़ा था तो दूसरा इसराइल के बराक मिसाइल के रक्षा सौदा था। दोनों ही रक्षा सौदे खासे अहम माने जाते हैं। हैरानी की बात ये कि केंद्र सरकार ने रक्षा सौदों में दलाली रोकने के लिए कई कदम उठाए और बाकायदा रक्षा सौदा नीति बनाई गई, उसके बावजूद ऐसे शख्स को क्लीन चिट कैसे मिल जाती है। अब सुधीर चौधरी बेखटके भारत आता जाता है, जिसके भ्रष्टाचार को ब्रिटेन के एसएफओ ने भी गंभीर माना और जांच जारी की है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच में रूसी कंपनी मिग कॉर्पोरेशन से डील में करीब $10 लाख के भुगतान के बाद सामने आई है। दरअसल देश में सत्ता के गलियारों में कुछ ऐसे लोगों का कब्जा है जो रक्षा से लेकर तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपनी पहुंच और रिश्तों का फायदा उठाते हैं। कुछ तो इतने ताकतवर हैं कि इनके नेताओं, नौकरशाहों के अलावा पुलिस प्रशासन और सीबीआई तक पकड़ रहती है। इन्हीं में से एक है सुधीर चौधरी, जिन्हें दो मामलों में क्लीन चिट मिली। 3 पीढ़ियों पहले कैटरिंग का धंधा करने वाला परिवार आज 2 अरब पाउंड की जायदाद का मालिक है। इन 18 खातों में से 17 ज्यूरिख और 1 सिंगापुर में। पनामा पेपर्स में भी इनके बेटे भानु चौधरी और भतीजे अमन चोपड़ा का नाम सामने आया। खबरों के मुताबिक सेशेल्स, वर्जिन आइसलैंड, पनामा जैसे टैक्स हेवन्स देशों में इनकी कंपनियों के निशान पाए गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को ताकतवर कौन बनाता है। सुधीर चौधरी को दोनों मामलों में क्लीन चिट दी गई 2014 में, जब सीबीआई के निदेशक रंजीत सिन्हा थे। वजह बताई गई सबूतों का अभाव और विदेशी जांच एजेंसियों से जानकारी नहीं मिल पाना। क्या इतने अहम मसलों में इतने लचर दलील के आधार पर मामला रफा दफा किया जा सकता है? क्या रंजीत सिन्हा सुधीर चौधरी जैसे तमाम लोगों के मसीहा की भूमिका का काम कर रहे थे? ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो इस पूरी कहानी में कई किरदार हैं और आपको बताते हैं कि रक्षा सौदों की दलाली करने वाले सुधीर चौधरी और पूर्व सीबीआई निदेशक रंजीत सिन्हा के बीच क्या संबंध थे। सुधीर चौधरी की पूरी कहानी में रंजीत सिन्हा एक अहम किरदार थे। दरअसल रंजीत सिन्हा ने अपने घर पर सुधीर चौधरी जैसे शख्स के जरिए इस तरह के बहुत से दागदार लोगों से मुलाकातें की हैं। सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी इस मामले की जांच अब भी कर रही है और ये वही सीबीआई डायरेक्टर रंजीत सिन्हा हैं जिन्होंने सीबीआई को सरकार का तोता बताकर खासी वाहवाही लूटी थी और मनमानी करने की आजादी ले ली थी, और अभी तक उनके खिलाफ जांच चल रही है और जो केस है वो अदालत में है। सीबीआई डायरेक्टर बनते ही रंजीत सिन्हा फिल्मी रंजीत बन गए।
अपने मातहतों के बीच कालिया नाम से मशहूर रंजीत सिन्हा का कार्यकाल खासा विवादास्पद रहा। सीबीआई निदेशक रहते हुए उन्होंने गंभीर मामलों के अभियुक्तों से अपने घर पर मुलाकात की। कोयला घोटाले से जुड़े कुछ शख्स तो लगातार उनसे मिलते रहे। मिलने वालों में हवाला का धंधा करने वाले लोगों के अलावा कोयला घोटाला, 2G स्कैम से जुड़े आरोपी भी शामिल है। सीबीआई दोस्तों की दोस्त और दुश्मनों की दुश्मन हो गई। सीबीआई के निदेशक बनने से पहले रंजीत सिन्हा आईटीबीपी के निदेशक भी रहे, लेकिन सीबीआई डायरेक्टर बनने पर कोयला घोटाले की जांच में ढिलाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। रंजीत सिन्हा ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता बताकर अदालत से मनमानी छूट ले ली, लेकिन हर मामले के अभियुक्तों से घर पर मुलाकात करने की बात सामने आने पर रंजीत सिन्हा के चेहरे पर पड़ा नकाब उतरने लगा। दरअसल सिन्हा की पत्नी बिहार के आला स्तर के एक पूर्व पुलिस अधिकारी की बेटी है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने किसी अज्ञात कारण से सुरक्षा में लगे अफसरों से अपने पति के पास आने जाने वाले लोगों की फेहरिस्त मंगानी शुरू कर दी। मामला खुला, अदालत को कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी ने इस डायरी को सही बताया। याचिकाकर्ता ने मुलाकातियों से जुड़े मामलों पर असर की जांच कराने की मांग की है। रंजीत सिन्हा पर सीबीआई निदेशक बनने के बाद ब्लैकमेलिंग के आरोप भी लगे। एक व्यवसायी समूह श्रीलाल महल के प्रमुख ने भी 15 करोड़ की मांग करने का आरोप लगाया। रंजीत सिन्हा के कार्यकाल के दौरान कोयला घोटाले की धीमी जांच भी कई सवाल खड़े करती रही। यही नहीं, कोयला घोटाले की जांच को बंद करने का आदेश देने की बात खुद सीबीआई ने अदालत में कबूली थी। कोयला घोटाले में एक ऐसी कंपनी के खिलाफ जांच बंद करने का आदेश दिया था जिसके मालिक के पास 700 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। रेलवे सुरक्षा बल के निदेशक के तौर पर भी रंजीत सिन्हा को एक विभागीय जांच में भ्रष्टाचार का दोषी माना गया था। इस आधार पर उन्हें गृह मंत्रालय भेज दिया गया, लेकिन कांग्रेस आला कमान तक अपनी पहुंच के बल पर रंजीत सिन्हा शंटिंग पोस्टिंग से सीधे सीबीआई निदेशक बन गए। इसके बाद सिन्हा ने आरपीएफ में अपने विरोधियों के खिलाफ जांच भी शुरू करा दी और गिरफ्तार तक करवा दिया। यही नहीं, इस जोड़ तोड़ के बाद सीबीआई डायरेक्टर बनने पर पूर्व रेलवे मंत्री पवन बंसल को जांच के पहले ही क्लीन चिट दे डाली, यानी कानून के बजाय सीबीआई पर कालिया का राज हो गया। जिसको चाहे उसे फंसाने या बचाने के पैमाने रंजीत सिन्हा के खुद के बनाए होते थे। उन्होंने किसी भी राजनीतिज्ञ को तब तक नहीं बख्शा जब तक उसने रंजीत की शर्तें पूरी नहीं की। रंजीत सिन्हा का कलेजा यहाँ तक खुल गया था कि उन्होंने इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों को भी निशाने पर ले लिया। हार कर कई अधिकारियों को ऊपर शिकायत करनी पड़ी। रंजीत गैंग का मेंबर होने की वजह से हथियार दलाल सुधीर चौधरी को जांच के दौरान ही 2 मामलों में क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अपराधी कितनी भी चालाकी क्यों न करे, अपने जुर्म के निशान जरूर छोड़ जाता है। शातिर तरीके से कोलगेट समेत कई मामलों के अभियुक्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट की गठित कमेटी ने कहा कि रंजीत सिन्हा ने मामलों को प्रभावित करने की कोशिश की है। सर्वोच्च अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। उम्मीद है कि भविष्य में कोई सीबीआई जैसी अहम जांच एजेंसी को रंजीत के कालिया गैंग में तब्दील करने की हिमाकत नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। अफसोस होता है यदि ऐसे अधिकारी रहेंगे तो किस तरह से हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना कर सकते हैं। यूं तो सीबीआई पर हमेशा सरकार का तोता होने का आरोप लगते रहे हैं, ऐसे में अगर सीबीआई निदेशक पर रंजीत सिन्हा पर ही ऐसे दाग लगे हों तो उनके कार्यकाल में हुई सभी मामलों की जांच भी सवालों के घेरे में आ गई है, इसमें कोई शक नहीं। और ये भी जरूरी हो गया है कि सरकार और अदालत रंजीत सिन्हा पर लगे सभी आरोपों की जांच कराए और दूध का दूध और पानी का पानी करके सबके सामने रखे। और उम्मीद हम इसी बात की करेंगे कि ये जो बात निकली है सुधीर चौधरी से वो दूर तक जाएगी और ये धागा रंजीत सिन्हा तक जरूर पहुंचेगा। और चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भोपाल स्थित सेंट्रल जेल से भागे सिमी के 8 संदिग्ध आतंकियों के एनकाउंटर पर राजनीतिक दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस, लेफ्ट, AIMIM और आप जैसी पार्टियां, साथ ही BSP ने भी न्यायिक जांच की मांग की है। राज्य सरकार का कहना है कि पुलिस के पास एनकाउंटर के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। किस तरह के सवाल हैं और क्या जवाब है राज्य सरकार का, देखिए इस रिपोर्ट में। आतंकियों के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने पर उठे सवालों के बीच MP पुलिस ने साफ किया कि सभी संदिग्ध आतंकी मुठभेड़ में मारे गए हैं और ये एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि पुलिस एनकाउंटर के वीडियो से जुड़े सवालों से बचती भी दिखी। कथित तौर पर ग्रामीणों की ओर से बनाए गए कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें दिख रहा है
कि पुलिस आतंकियों पर गोली चला रही है। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो पाई है। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने सिमी के आतंकियों के एनकाउंटर पर शिवराज सरकार और पुलिस से जवाब मांगा है। मानवाधिकार आयोग ने 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा है, जबकि लेफ्ट, बीएसपी, एआईएमआईएम, कांग्रेस सहित कई दलों ने पूरे एनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। एनआईए जांच एनकाउंटर की करे, जेल से कैसे भागी इसकी जांच वो क्यों करेगी एनआईए? उसकी जांच तो जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए कि जेल की फंक्शनिंग में कहां कमी है, जिसके वजह से सिमी के लोग ही भागते हैं, दूसरे नहीं भाग पाते, कहां कमी है उसको देखें। लेकिन एनकाउंटर की जांच एनआईए करे, लेकिन अदालत के बेंच इसको हाई कोर्ट की या डीजे कोर्ट की कोई के लोग इसकी मॉनिटरिंग करें, तभी इसमें निष्पक्ष जांच हो पाएगी। उनकी लाशों को हम देखते हैं तो जूते पहने हुए हैं, हाथ में घड़ी है, बैंड्स हैं, बेल्ट है, और मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर कहते हैं कि उनके पास हथियार नहीं था, उनके पास चमचे थे। तो ये जरूरी है कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एनकाउंटर को फर्जी बताया है। केजरीवाल ने कहा है, फर्जी एनकाउंटर्स, फर्जी मामले, रोहित वेमुला, केजी बंसल, गायब नजीब, दलित पर हमला, एबीवीपी, आरएसएस और गौ रक्षकों की गुंडागर्दी, यही मोदी राज है। पुलिस ने मुठभेड़ में मौत पर आलोचनाओं को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि दोनों तरफ से भारी गोलीबारी हुई, जिसमें वे मारे गए और उसके बाद उनके पास से 4 देसी बंदूकें और कुछ धारदार हथियार बरामद किए गए। मेरे मन में एक तकलीफ भी है, मुझे पता नहीं कि राजनीति कैसी हो गई है। हमारे देश के ही कुछ ऐसे नेता, उनको शहीदों की शहादत दिखाई नहीं देती, उनको रमाशंकर यादव का बलिदान दिखाई नहीं देता। पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ पर उठाए जा रहे सभी सवाल जांच के मामले हैं, क्योंकि सिमी कार्यकर्ताओं की जेल से फरारी और उनके मारे जाने के बीच के 7 घंटे से ज्यादा समय की घटनाओं की श्रृंखला की अभी जांच होनी बाकी है। आतंकियों के पास से 2 315 बोर के कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 1 12 बोर का कट्टा और 3 धारदार हथियार मिले हैं। ऐसे में सवाल ये भी है कि आतंकियों के पास हथियार आए कहां से। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश सरकार से इस घटना के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है, जिससे यह पता चल सके कि क्या जेल प्रशासन की ओर से कोई चूक हुई या ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जेल से कांस्टेबल की हत्या कर 8 सिमी समर्थक कैदी फरार होते हैं, उसके कुछ घंटों बाद ही यह खबर आती है कि सभी को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। ऐसे में एक तरफ जहां पुलिस की पीठ थपथपाई जा रही है, वहीं पुलिस पर सवाल उठाने वाले भी बहुत हैं, जैसा कि आपने इस रिपोर्ट में देखा। हालांकि कई सवालों के जवाब खुद ब खुद सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि मारे गए 8 में से 4 आतंकी 2014 में हुए यूपी के बिजनौर ब्लास्ट में भी शामिल थे और यूपी एटीएस के पास इनके कारस्थानियों का वीडियो भी मौजूद है, लेकिन यूपी एटीएस सामने क्यों नहीं आ रही है, यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी इस खास रिपोर्ट में पूरी तफ्तीश आप देखिए, जिससे ये आपको साबित हो जाएगा कि जो भी सवाल विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं, उनका जवाब आखिर क्या है। भोपाल एनकाउंटर पर सवाल करते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पूछा कि आतंकी जेल से भागे या भगाए गए। फिलहाल इसका यही जवाब है कि अगर आतंकियों को भगाने की योजना होती तो फिर पुलिस का हेड कांस्टेबल क्यों मारा जाता। जहां आतंकियों के भागने पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि पहले 2013 में खंडवा जेल से 7 आतंकी भागे थे और इन 8 में से 3 उसमें शामिल थे, इसलिए उनको जेल से फरार होने का गुड़ मालूम था। आपको बता दें कि लखनऊ कोर्ट परिसर से भी 2 आतंकी दिन दहाड़े फरार हुए थे, जो अब पाकिस्तान में कैंप चलाकर आतंकियों को जेल से भागने के गुर सिखाते हैं। AIMIM नेता ओवैसी ने ये भी सवाल उठाया कि आतंकी घड़ी और जूतों में क्यों पाए गए, तो इसका सीधा जवाब है कि विचाराधीन कैदियों के कपड़ों पर सवाल उठाना ठीक नहीं है।
कुछ लोगों का सवाल है कि आतंकियों के पास बंदूक कहां से आई, तो इसका जवाब है कि आतंकियों के पास से देसी कट्टे और 3 धारदार चाकू मिले हैं और जो लोग उनको भगाने में मदद कर सकते हैं वो उनको हथियार भी उपलब्ध करा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस ने सुराग मिलने के बाद आतंकियों को जिंदा पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की, जिस पर पुलिस की दलील है कि आतंकियों ने फायरिंग की और आत्मरक्षा में मारे गए। वैसे सवाल ये उठता है कि जिस जेल में सिमी के 30 आतंकी बंद थे वहां सुरक्षा इतनी लचर क्यों थी और इन 8 आतंकियों को एक ही बैरक में क्यों रखा गया था। दिवाली की रात ये घटना हुई जब जेल में स्टाफ कम था, लेकिन ये कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की लापरवाही दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। कुछ मसले ऐसे हैं जिन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और आतंकवाद का मसला भी शायद ऐसा ही है। ऐसे में जरूरी है कि आतंकवाद के खिलाफ सभी दलों के सुर एक जैसे हों, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भारतीय राजनीति में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि जब भी किसी आतंकी का एनकाउंटर होता है या आतंकी को मारा जाता है, चाहे वो बुरहान वानी हो या सिमी के 8 आतंकी, विरोध के स्वर भी जरूर उठते हैं। चलिए एक अच्छे सुर की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस के मौके पर मंगलवार को रायपुर में थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि देश की हर समस्या का निदान विकास के मार्ग से ही होगा। हम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं और शाम ढलते ढलते प्रधानमंत्री हरियाणा दिवस की गोल्डन जुबली में भी हिस्सा लेने के लिए गुड़गांव पहुंचे और यहां पर भी उन्होंने बेटियों की बड़ाई की। छत्तीसगढ़ के 16वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री रायपुर में थे जहां उन्होंने राज्योत्सव का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम भाग्यशाली है कि अटल जी जैसे महान नेता ने हमें छत्तीसगढ़ दिया। इतने शांतिपूर्ण ढंग से अलग राज्यों का निर्माण करना बहुत मुश्किल है। लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए और सभी की भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य की रचना कैसे की जाती है, यह इसका एक बड़ा उदाहरण है। देश की सभी समस्याओं का समाधान केवल विकास से हो सकता है। हम हमेशा विकास के पथ पर बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं। अलग राज्य बनकर के विकास की यात्रा के बजाय अगर सही ढंग से काम नहीं होता है तो हमेशा हमेशा भाव के बीच फलते फूलते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि 16 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना था तो किसी ने सोचा नहीं था कि नक्सल प्रभावित राज्य आगे चलकर देश के अन्य राज्यों के साथ विकास की दौड़ में टक्कर लेगा। हिंदुस्तान के राज्यों की विकास की यात्रा में ये आदिवासी विस्तार वाला नक्सल प्रभावित इलाका भी हिंदुस्तान के विकसित राज्यों के साथ भी टक्कर लेगा और विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ेगा। शाम ढलते प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा दिवस में हिस्सा लेने के लिए गुड़गांव के ताऊ देवीलाल स्टेडियम पहुंचे। हरियाणा दिवस की गोल्डन जुबली पर गुड़गांव में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। और शाम को हरियाणा पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हरियाणा छोटा सा राज्य है लेकिन इसने हर क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। व्यापार के क्षेत्र पर हरियाणा की प्रगति पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा माना जाता था कि यह राज्य किसानों का है लेकिन व्यापार के क्षेत्र में भी इसने अपना नाम रोशन किया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि देश की रक्षा में भी हरियाणा ने अहम योगदान दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई मौकों पर हरियाणा की बेटियों ने देश का मान बढ़ाया है और आज हर हरियाणावासी को यह शपथ लेनी होगी कि वो बेटी की रक्षा करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा में लिंगानुपात में सुधार हुआ है। और हरियाणा से अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। राज्य में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीति अपनी चरम पर है यहां पर, इसलिए रोज नई नई खबरें आपके सामने हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर की सियासी उठापटक के बीच पार्टी की 25वीं सालगिरह को गैर बीजेपी दलों के लिए तैयार मंच के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें लालू यादव, नीतीश कुमार, चौधरी अजीत सिंह, HD देवेगौड़ा समेत सभी को न्योता दिया गया है। हालांकि नीतीश कुमार ने समारोह में शामिल होने से अभी मना कर दिया है। ऐसे में जयंती समारोह के मौके पर होने वाले एका के भविष्य को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस पर विपक्ष ने भी चुटकी लेना शुरू कर दिया है। परिवार में पड़ी गांठों के बीच अन्य दलों के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की कोशिशें तेज हो गई हैं, जिसके लिए सपा के 5 नवंबर को होने वाले रजत जयंती समारोह का दिन मुकम्मल किया गया है। सपा संगठन की बागडोर संभालने वाले शिवपाल यादव, RLD प्रमुख चौधरी अजीत सिंह, JDU के नीतीश कुमार और RJD से लालू यादव को न्योता भी दे चुके हैं। हालांकि ये गठबंधन परवान चढ़ेगा, इस पर अभी से सवाल खड़े होने लगे हैं। श्री नीतीश कुमार जी छठ के चलते इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। बैठ करके हम तय करेंगे कि इस विषय में
आगे क्या कदम उठाया जा रहा है। जरूर है कि हमारी घोषित नीति रही है पहले से ही कि सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब मिल सके, उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनको आगे रख के हम चलेंगे और अच्छी सरकार देने का वादा है। क्या कौन सी पार्टियां उसमें शामिल होती नहीं होती थोड़ा समय दीजिए। समाजवादी पार्टी के भीतर तेजी से बदलते राजनीतिक हालात को देखते हुए गठबंधन समाजवादी पार्टी के लिए जरूरत ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। प्रदेश में सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के बहाने सत्ता बचाने की कोशिश का रास्ता यही बचा है कि लोहियावादियों और चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों को एक मंच पर जमा किया जाए। और जितने भी सेकुलर लोग हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएं और हम चाहते हैं कि लोहियावादी और चौधरी चरण सिंह वादी ये सब लोग मिल करके और इन्हीं लोगों को हम निमंत्रण दे रहे हैं। इस गठबंधन में बिहार की तर्ज पर कांग्रेस को जोड़ने की भी सुगबुगाहट है। हालांकि कांग्रेस इस बारे में गंभीरता से सोच तो रही है लेकिन पत्ते अभी नहीं खोले हैं। कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रही है। हमें अभी फिलहाल राजनीतिक गठबंधन करने की कोई जरूरत नहीं है। उधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हुए महागठबंधन के हश्र को देखते हुए विपक्ष को भी बोलने का मौका मिल गया है। उत्तर प्रदेश का जिस तरीके से विनाश किया है इस सरकार ने उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत उत्साह है। गैर बीजेपी दलों का एक मंच से हुंकार भरना सिर्फ आगामी चुनाव को फतह करने का एजेंडा ही नहीं बल्कि नेताजी की राजनीतिक सूझबूझ है और 2019 के नफे नुकसान का आकलन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठबंधन की सियासी रणनीति ने लोकसभा चुनाव से पहले भी जोर पकड़ा था। हालांकि बिहार चुनाव से पहले ही मुलायम का एजेंडा दम तोड़ गया और अब हैरानी इस बात को लेकर के है कि सपा जिस गठबंधन की पहल कर रही है उसमें मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव प्रचार करने वाले अखिलेश यादव ही एकला चलो की बात कर रही है। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की सियासत पर और अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे संपादकीय सलाहकार गोविंद पंत राजू लखनऊ स्टूडियो से। बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी मेरे साथ इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है जो समझने की कोशिश मैं करना चाहूंगी, जिस तरह से महागठबंधन की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है और JDU ने जिस तरह से ना कहा है, जाहिर सी बात है कि एक धक्का लगा होगा, लेकिन दो सुर एक साथ हो कैसे सकते हैं? एक तरफ पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो कह रहे हैं कि महागठबंधन करेंगे, जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, हालांकि चेहरा तो अभी मुलायम सिंह यादव ने उनको नहीं कहा है, लेकिन उनका कहना है कि एकला चलेंगे। ऐसे में दोनों सुर एक साथ लगेंगे कैसे? राजश्री जी, बिल्कुल साफ है जैसे आपने खुद ही सवाल किया है जी। समाजवादी पार्टी में जिस तरह से दो बिल्कुल धाराएं साफ साफ साथ साथ दिखाई दे रही हैं और एक दूसरे के खिलाफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उन धाराओं में से गठबंधन अगर होगा तो वो किसके साथ होगा? एक तरफ कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव गठबंधन के पक्षधर नहीं है, हालांकि शुरू में उन्होंने एक बार कहा था कि वो अपना रास्ता अकेला बनाएंगे और जरूरत पड़ेगी तो मतलब अपने साथ जिसको चाहे कार्रवाई में जोड़ते चले जाएंगे, लेकिन अब एक तरफ से ये दिख रहा है कि वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी में अपने को सबसे प्रमुख के तौर पर दिखाना चाहते हैं और वो ये साबित करना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो कुछ है सिर्फ उन्हीं की वजह से है। दूसरी तरफ जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं और खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने बहुत साफ तरीके से कहा है कि उनकी कोशिश है कि तमाम समान विचारधारा के दलों को अपने साथ लेकर आने का। तो एक संकोच तो यह है कि जो समाजवादी पार्टी है वो अपने आप ही दो अलग अलग खेमों में बटी है, तो गठबंधन अगर होगा तो किस खेमे से होगा और क्या गठबंधन की अगर कोई बात आगे बढ़ती है तो दोनों खेमे उसके लिए किस हद तक राजी होंगे और राजी होंगे भी या नहीं, एक सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जिन लोगों को गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम JDU की बात करें तो JDU की स्थिति उत्तर प्रदेश में लगभग वैसी ही है जैसी अगर मुलायम सिंह यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी बिहार के चुनाव में साथ होती तो जो स्थिति उसकी होती वही स्थिति JDU की UP में है। कोई जनाधार नहीं है उनका, उनके बहुत गिनती के नाम लेने के लिए नेता यहाँ पर हैं। उसी तरह की स्थिति RJD की है उत्तर प्रदेश में और जो साफ साफ गठबंधन का हिस्सेदार दल दिखाई दे रहा है अजीत सिंह की पार्टी, उसके बारे में यह है कि वो न तो सांप्रदायिक
ताकतों से दूरी रखता है, न वो कांग्रेस से दूरी रखता है, न वो बीजेपी से दूरी रखता है, न वो समाजवादी पार्टी से दूरी रखता है। वो उत्तर प्रदेश में पिछले वर्षों में हर राजनीतिक दल के साथ कभी न कभी साझेदारी कर चुका है, सरकार में रह चुका है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि ये जो गठबंधन की बात है इसका कोई अभी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अर्थ होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो अभी तक इसके बारे में उसने अपनी रुचि नहीं दिखाई है और ये दिखाने की कोशिश की है कि वो अकेले रहेगी। जी गोविंद जी, ऐसे में ये सवाल जरूर उठेगा कि जिस तरह से खासकर समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव की राजनीति यदि मैं बात करूं, तो चाहे वो लोकसभा चुनाव 2009 देख लीजिए, 2014 देख लीजिए, आप 2015 देख लीजिए, 2012 देख लीजिए, हर वक्त वो एक कोशिश ऐसी जरूर करते हैं कि वो तमाम तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को एक साथ एक मंच पर हम ला रहे हैं। ऐसे अगुआ बनने की कोशिश उनकी हमेशा होती है और इसी क्रम में यहां तक उन्होंने जयललिता तक को उत्तर प्रदेश में, मुझे याद है, इलाहाबाद तक लेकर आए थे, चंद्रबाबू नायडू को लेकर आए थे, तो दूर की कौड़ी वो लाने के माहिर माने जाते हैं। लेकिन क्या इस वक्त अगर हम 2017 की बात कर रहे हैं तो क्या मैं ऐसा समझूं या क्या इससे ये संदेश लेना चाहिए कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्ष दलों की एक तरह से अगुआ पार्टी बनने दिखाना चाहती है सबको कि हम ही सबसे लीड लेते हैं धर्मनिरपेक्ष दलों को, धर्मनिरपेक्ष संगठनों को एक करने में, और इससे उसको कुछ राजनीतिक लाभ जरूर मिल सकता है। बिल्कुल राजश्री जी, जो कार्यक्रम रजत जयंती समारोह होने जा रहा है जिसमें तमाम बड़े बड़े नेताओं को बुलाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को भी कुछ हद तक आप इस रूप में देख सकती हैं। अगर मुलायम सिंह, हालांकि उनके जितने भी कार्यक्रम ऐसे रहते हैं उनकी ये कोशिश होती है कि तमाम बड़े नेता उस मंच पर आएं और एक बड़ी राजनीतिक ताकत के तौर पर समाजवादी पार्टी दिखे। आतिथ्य में कोई कमी नहीं होती, सम्मान में कोई कमी नहीं होती, और तमाम नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले भी देखा है, हाथों में हाथ डालकर बाहें ऊपर करते हुए खड़े होते हुए तस्वीरें तमाम कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर देवगौड़ा और तमाम दूसरे नेताओं के साथ मुलायम सिंह पहले भी खड़े दिखाई दिए देते रहे हैं। लेकिन इस वक्त आपने जो कहा कि वो धर्मनिरपेक्ष दलों का नेता दिखने की जो कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है वो इससे ज्यादा ये कोशिश करना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम मतदाता है उसके वोट के दावेदार सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी है, और इसलिए मुलायम सिंह यादव की जो पुरानी छवि है वो छवि दोबारा से जनता के बीच में, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बीच में उसको याद दिलाने की कोशिश की जाती है। और ये प्रयास है कि जैसे बीएसपी दावा कर रही है कि मुस्लिम मतदाता उसकी तरफ आ रहे हैं, कांग्रेस को भी लग रहा है कि मुस्लिम मतदाता उसकी तरफ आ रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ये सुनिश्चित करने की कोशिश करना चाहती है कि मुस्लिम मतदाता सिर्फ उसकी तरफ आए ताकि वो सत्ता में अपनी वापसी कर सके। और मूलतः ये धर्मनिरपेक्ष होने की बात नहीं है, ये मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की बात है, जिसके लिए जो कांटे में जो चारा लगाया जाता है वो चारा सांप्रदायिकता के नाम का लगाया जाता है। जी बिल्कुल गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। और जैसा कि गोविंद जी बता रहे थे कि रजत जयंती की भी खास तैयारियां की जा रही हैं, यूपी में चुनाव आते ही यात्राओं का दौर भी शुरू हो गया है। राहुल गांधी की किसान यात्रा के बाद अब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है। 5 नवंबर से शुरू हो रही परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की जवाबदेही के साथ ही माइक्रो लेवल मैनेजमेंट और सोशल मीडिया के साथ साथ स्टार कैंपेनरों का भी सहारा लेने का निर्देश दिया गया है। इस परिवर्तन यात्रा का सीधे तौर पर मुकाबला अखिलेश यादव की समाजवादी विकास रथ से होने जा रहा है, यानी कि अखिलेश यादव भी अपनी विकास रथ लेकर निकलने वाले हैं, जो कि एक लग्जरियस बस है जिसको एक खास शेप दिया गया है और उसमें खास सुविधाएं हैं। उसके साथ अखिलेश यादव एकला चलो का जो नारा उन्होंने दिया है एक तरह से, और खुद ही वो इस रथ को लेकर निकलेंगे और अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी को एक तरह से काउंटर करने के लिए बीजेपी ने भी अब परिवर्तन यात्रा निकालने की योजना बना ली है। ठीक 5 तारीख को, यानी कि 5 नवंबर जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए, हालिया राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी की रजत जयंती समारोह, दूसरी तरफ बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। इस यात्रा की क्या खासियत है और कितना फर्क पड़ेगा इन तमाम यात्राओं से जनता के मन में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 5 नवंबर को यूपी में बीजेपी के चुनावी अभियान का औपचारिक रूप से श्री गणेश हो जाएगा। 5 नवंबर को सहारनपुर, 6 नवंबर को झांसी, 8 को सोनभद्र और 9 नवंबर को बलिया से शुरू होने वाली यात्राएं
24 दिसंबर को लखनऊ में आकर खत्म हो जाएंगी। बहुत बड़ा फीडबैक प्राप्त हो रहा है, हर कोई व्यक्ति हर गांव-गांव से लोग आकर के उस परिवर्तन यात्रा में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो रहे हैं। मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यह परिवर्तन यात्रा अब तक के इतिहास के सबसे बड़ी यात्रा होगी। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय नेताओं और स्टार प्रचारकों के नाम तय किए हैं। इस संबंध में 100 परिवर्तन सारथी युवाओं की टोली हर जिले में काम कर रही है। 121,000 बूथों पर पार्टी काम कर रही है। हर बूथ पर 30-30 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। सोशल मीडिया और कॉल सेंटर की टीमें भी काम कर रही हैं। पार्टी स्थानीय नेताओं को आगे रखकर जनता के बीच जाएगी और अखिलेश सरकार की खामियों को बड़े स्तर पर सार्वजनिक किए जाने की योजना है। बीजेपी इस यात्रा को अब तक का सबसे बड़ा अभियान बता रही है। खास बात यह है कि इसी परिवर्तन यात्रा के दौरान ही इसका सामना मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की समाजवादी विकास यात्रा से भी होने जा रहा है। ऐसे में दोनों यात्राओं का सीधा मुकाबला भी देखने को मिलेगा। और जो लड़ाई वहां पर चल रही है, धन के बांट की ही चल रही है। जिस तरीके का भ्रष्टाचार हुआ है, हत्या, लूट, डकैती और अपहरण का दौर चला है, उससे अभी सरकार बच नहीं सकती है। देखिए, दोनों ही दल आज की डेट में राहुल जी की किसान यात्रा के पिछलग्गू यात्रा हो रही है। बीजेपी अपने इस परिवर्तन यात्रा के जरिए यूपी में बड़ा बदलाव करने का दावा कर रही है। 24 दिसंबर को इन यात्राओं का समापन लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होना तय हुआ है। दूसरी ओर अखिलेश भी अपने रथ पर बैठकर जनता के बीच जाएंगे। ऐसे में आने वाले कुछ दिनों में रैलियों, यात्राओं और जनसभाओं का दौर देखने को मिलेगा, लेकिन अंतिम फैसला तो जनता को ही लेना है। अभिषेक पांडे, APN, लखनऊ। और चुनावी रथ यात्रा का प्रयोग कोई नया नहीं है। लगभग 26 साल पहले आप सबको याद होगा कि 25 सितंबर 1990 को बीजेपी के शीर्ष नेता और आजकल मार्गदर्शक लाल कृष्ण आडवाणी ने भी रथ यात्रा निकाली थी, जिससे बीजेपी के लिए अधिक समर्थन जुटाने में सहयोग मिला था। लेकिन अब देश की जनता काफी जागरूक हो गई है। जनता को अब मालूम हो गया है कि चुनाव के ठीक पहले ये राजनेता और उनकी पार्टियां मतदाताओं को रिझाने के लिए तरह तरह के रूप धरती हैं। चुनाव के बाद यही पार्टियां आम जनता को भूल जाती हैं। ऐसे में जनता किसके पक्ष में फैसला लेगी, ये बड़ा सवाल है। और हमारे साथ गोविंद जी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से अखिलेश यादव अपनी अलग यात्रा निकालने की तैयारी कर चुके हैं, उनके रथ का जो एक तरह से कहा जाए अनावरण हो चुका है, और अब परिवर्तन जो यात्रा करना चाह रही है बीजेपी, राहुल गांधी की भी खाट यात्रा हमने देख ली है, क्या लगता है कि वाकई 2017 में कितना प्रभाव पड़ने वाला है इन यात्राओं से? राजश्री जी, निश्चित तौर पर इन यात्राओं का प्रभाव तो जनता में होता है, क्योंकि जब इन यात्राओं के जरिए एक संदेश कोई भी पार्टी सीधे सीधे लोगों तक पहुंचाती है तो कहीं ना कहीं वो लोगों को प्रभावित करती है। लेकिन सवाल यह है, बड़ा सवाल, उत्तर प्रदेश में जो रणनीति है उसके तहत क्या किस पार्टी ने किस तरह की जो रथ के दौरान जो प्रचार की बात है उसके लिए अपने मुख्य लक्ष्य क्या रखे हैं। कांग्रेस ने जैसे किसानों के कर्ज की बात करी, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश की बहुत सारी समस्याएं थी। और किसानों का कर्ज शुरू में तो बहुत उससे बहुत प्रभाव पड़ता दिखाई दिया, लेकिन बाद में वो एक तरह से प्रभावहीन होता गया और दूसरी राजनीतिक जो वजह थी, परिस्थितियां थी, वो हावी हो गई और खाट यात्रा एक तरह से खाट लूटने की यात्रा का के तौर पर ज्यादा उसका असर हुआ। और उस यात्रा का जो लक्ष्य था उसने कांग्रेस की अपनी यात्राओं को जो छोटे नेताओं के, राज्य स्तरीय नेताओं के द्वारा की जा रही थी, उनके असर को भी प्रभावहीन किया। और उसमें देवरिया से दिल्ली की बात करके एक तरह से उत्तर प्रदेश को छोड़ने की बात एक तरह से कहीं उसमें दिखाई दी। बीजेपी की जो यात्रा है शायद जो कांग्रेस की यात्रा है उसके जितने भी नकारात्मक पक्ष हैं उनको ध्यान में रखते हुए उसका काउंटर करने की एक तरह से कोशिश है। और बार बार उसको हर जगह से जो यात्रा है वो लखनऊ में आकर खत्म होगी, तो राज्य की राजधानी तक यात्राएं आएंगी और एक इसके जरिए वो अपने मतदाताओं को और खास तौर पर युवा मतदाताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम कर रही है। जहां तक अखिलेश की यात्रा का सवाल है, मुझे लगता है कि जो उसका पहला चरण 3 से शुरू होने वाला है वो तो सिर्फ सत्ता के प्रदर्शन का चरण है, क्योंकि अभी से जिस तरह की जानकारियां सामने आई कि एक दिन पहले से तमाम रास्ते लखनऊ की तरफ आने वाले, इटावा से आने वाले, आगरा से आने वाले, हरदोई से आने वाले, वो रास्ते बंद हो जाएंगे और उस
पूरे दिन सिर्फ समाजवादी वाहनों को ही लखनऊ और कानपुर और उन्नाव के बीच आने जाने की इजाजत होगी, तो मुझे लगता है कि अगर ये तरीका होगा तो ये नकारात्मक इसका असर ज्यादा होगा और जो लोग प्रभावित होंगे, पीड़ित होंगे, उनको परेशानी भी होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी इस पूरी चर्चा के लिए। देश की बात में आप मेरे साथ रहे, इसके लिए शुक्रिया आपका। और जैसा कि गोविंद जी ने बताया कि रथ यात्रा के क्या नकारात्मक या सकारात्मक पहलू होंगे, ऐसे में बीएसपी क्या करती है इसको देखना बहुत ही दिलचस्प होगा और इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल नजर डालते हैं देश की 5 बड़ी अन्य खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को रायपुर के नंदन वन जंगल सफारी पहुंचे। इस दौरान मोदी ने अपना फोटोग्राफी शौक भी पूरा किया। मोदी शेर के काफी करीब जाकर उसके चेहरे की फोटो क्लिक करते दिखाई दिए। मोदी के ट्विटर अकाउंट से भी इन फोटो को शेयर किया गया। कुछ ही मिनटों में फोटोज को ट्विटर पर काफी शेयर और लाइक्स भी मिले। कई लोगों ने तो इन फोटोज पर मोदी की प्रशंसा की, वहीं कई लोगों ने नाराजगी भी जाहिर की। देश में काला धन और बेनामी संपत्ति पर लगाम लगाने के मकसद से संशोधित बेनामी संपत्ति अधिनियम आज से लागू हो गया है। बेनामी लेन देन संशोधित कानून 2016 का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना भरने के साथ 7 साल तक की जेल की सजा मिलेगी। संसद ने जुलाई में इस कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी और आज से इसे लागू कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी से निष्कासित पूर्व महासचिव राम गोपाल यादव ने एक एसएमएस के जरिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को महान शख्स करार दिया है और विधानसभा चुनाव में उनकी भारी सफलता की कामना भी की है। राम गोपाल यादव ने मोबाइल फोन पर लोगों को भेजे संदेश में लिखा है कि अखिलेश एक बड़े दिल वाले और भले इंसान है, वास्तव में वो महान शख्सियत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी सफलता मिले। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने आवास पर आयोजित स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम में समाजवादी एम्बुलेंस सेवा का ऐप लॉन्च किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से जुड़े लोगों से मुलाकात की और कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियों से भी मुलाकात की। जाहिर है कि सरकार की तरफ से 108 और 102 समाजवादी एम्बुलेंस सेवा संचालित की जा रही है और इसके लिए एक कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। मुंबई के अंबोली इलाके में किराए का मकान तलाश रही एक महिला के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। घटना सोमवार रात की है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। और अब बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पाकिस्तान ने आज भी सीज फायर तोड़ा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी के इलाकों में पाकिस्तान की ओर से की जा रही फायरिंग में आज 8 लोगों की मौत हो गई जबकि 18 लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में 4 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के 5 रेंजर्स को मार गिराया है और 14 चौकियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। भारत की ओर से लगभग 5,000 मोर्टार दागे गए। गोलीबारी में 6 पाकिस्तानी नागरिकों के भी मारे जाने की खबर है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुबह 6:30 बजे से सांबा के रामगढ़ सेक्टर में 4-5 जगहों पर छोटे हथियार और 82 mm मोर्टार के साथ पाक रेंजर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। बीएसएफ ने पाक फायरिंग का करारा जवाब दिया। सुबह 7 बजे अरनिया सेक्टर के पिंडी गांव में पाक की ओर से मोर्टार के 3 गोले फेंके गए। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में भी पाकिस्तान ने बिना किसी उकसावे के सुबह से ही फायरिंग शुरू कर दी। यहां पर पाक सेना ने छोटे हथियार से लेकर 82 mm मोर्टार और 120 mm मोर्टार तक का इस्तेमाल किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से 60 बार से ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। सरहद पर काफी तनाव बढ़ गया है और सेना और बीएसएफ हाई अलर्ट पर हैं। बदकिस्मती की बात है और शर्म की बात है कि पाकिस्तान की ओर से दीपावली के दिन भी ये संयम नहीं बरता गया, लेकिन अब जैसे आपने कहा हम सीमावर्ती क्षेत्र से होकर के आए हैं और एक बड़ी उत्साहजनक बात यह है कि हम गए तो थे वहां पर सैनिकों का मनोबल बढ़ाने, लेकिन सच पूछिए तो अपना मनोबल बढ़ गया। पिछले 10 दिनों में 8 जवान शहीद हो गए हैं। बालाकोट सेक्टर में पाक फायरिंग में सेना के जवान बिमल तमांग शहीद हुए, जबकि माचल सेक्टर में सेना के जवान मनदीप सिंह शहीद हुए। उनके शव के साथ बर्बरता भी की गई। पाक की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ कांस्टेबल नितिन सुभाष भी शहीद हो गए। आरएसपुरा में मोर्टार गोलीबारी में कांस्टेबल जितेंद्र सिंह और बीएसएफ जवान सुशील कुमार शहीद हो गए, जबकि हीरा नगर सेक्टर में पाक फायरिंग में बीएसएफ के जवान गुरनाम सिंह शहीद हुए। तंगधार सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश रोकने में संदीप सिंह ने जान गंवाई, जबकि राजौरी सेक्टर में जवान सुधीश कुमार की मौत हो गई।
ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। और आपको बता दें कि पिछले 3 महीनों में सीमा पर भारत के 42 जवान शहीद हो चुके हैं। इसमें अगस्त महीने में 10, सितंबर महीने में सबसे ज्यादा 24 और अक्टूबर महीने में 8 जवान शहीद हुए। हमारे सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम का बार बार उल्लंघन किए जाने और नागरिकों की मौत को देखते हुए गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई, जिसकी एक्सक्लूसिव खबर हमारे पास है। इस बैठक में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया और इसमें ये फैसला लिया गया कि अब ज्यादा से ज्यादा सेना कश्मीर में भेजा जाएगा। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच नवाज शरीफ को कड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पनामा पेपर्स लीक मामले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ भ्रष्टाचारों के आरोपों की जांच की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विपक्ष की मांग को मंजूर कर लिया है, जिन्होंने राजधानी इस्लामाबाद में बुधवार से पूर्ण बंद की चेतावनी दी थी। विपक्ष का कहना था कि शरीफ और उनके परिवार के खिलाफ विदेशी कंपनियों में निवेश के बारे में जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर नवाज शरीफ से अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। दरअसल पनामा पेपर्स ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों, राजनीतिक फिल्मी हस्तियों, खिलाड़ियों और अपराधियों के वित्तीय लेन देन की कलई खोल कर रख दी है। पनामा पेपर्स के नाम से हुए लीक इन दस्तावेजों को सामने लाने में मुख्य भूमिका अमेरिका स्थित एक एनजीओ और खोजी पत्रकारों के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ की है। इन्होंने उन दस्तावेजों की गहरी छानबीन की जो किसी अज्ञात सूत्र ने उन्हें उपलब्ध करवाए थे। जांच में दुनिया की नामचीन हस्तियों के अलावा 140 अरबपतियों की छिपी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। जांच में जो डेटा सामने आया है वह बीते 1977 से लेकर 2015 तक लगभग 40 वर्षों का है। सवाल यह है कि इस पेपर लीक में वित्तीय लेन देन का खुलासा हुआ तो क्या वह पूरी तरह से गैर कानूनी है? इस बारे में एनजीओ का कहना है कि निश्चित तौर पर हो सकता है कि यह पूरी तरह से गैर कानूनी न हो, लेकिन यह इतना तो साफ करता है कि किस तरह से इन हस्तियों ने टैक्स बचाकर देश को नुकसान पहुंचाया। बड़ी हस्तियां देश से बाहर जो खाते रखती हैं उनका मकसद कई तरह के वित्तीय और कानूनी लाभों का फायदा उठाना होता है। ये खाते अधिकतर ऐसे देशों में रखे जाते हैं जिन्हें टैक्स हेवन माना जाता है। इन खातों का उपयोग पैसे को देश के बैंकिंग सिस्टम की नज़र से बचाकर बाहर ले जाने और टैक्स अथॉरिटीज की नज़र से बचाकर टैक्स सेविंग के लिए किया जाता है। जिनके नाम सामने आए हैं उनमें से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, आइसलैंड और यूक्रेन के राष्ट्रपति, सऊदी अरब के राजा और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के पिता का नाम भी प्रमुख है। इनके अलावा लिस्ट में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबियों, अभिनेता जैकी चैन और फुटबॉलर लियोनेल मेसी का नाम भी सामने था। इन दस्तावेजों में करीब 500 भारतीयों के नाम भी शामिल है, लेकिन इस वक्त जो समस्या बढ़ी है वो है प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की, जो पाकिस्तान में लगातार विरोध झेल रहे हैं। और पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ और उनके संबंधियों की जांच के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने 2 नवंबर को इस्लामाबाद बंद करने का ऐलान वापस ले लिया है। इमरान ने कहा है कि बुधवार यानी 2 नवंबर को अब शुक्राना दिवस यानी थैंक्स गिविंग डे का जश्न मनाया जाएगा। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बताया है। इमरान ने उन सभी लोगों का शुक्रिया जताया है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दिया। इमरान ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वह बुधवार को इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में आकर शुक्राना दिवस मनाएंगे। दो नवंबर को इस्लामाबाद बंद नहीं होगा क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान ने इस्लामाबाद बंद करने के ऐलान को वापस ले लिया है। इमरान ने कहा कि बुधवार को अब शुक्राना दिवस का जश्न मनाया जाएगा। हालांकि इमरान की ओर से बंद के ऐलान को लेकर आज तनाव का माहौल रहा। पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच रहे पार्टी कार्यकर्ताओं को रॉयट पुलिस ने रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। जगह जगह हाईवे पर पीटीआई कार्यकर्ताओं को इस्लामाबाद बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने शिपिंग कंटेनर्स लाकर खड़े कर दिए, तो एक कंक्रीट के स्लैब और कीचड़ से भी हाईवे को पाट दिया गया। उत्तेजित पीटीआई कार्यकर्ताओं ने 7 वाहनों को आग लगा दी और पुलिस पर जमकर पथराव किया। कार्यकर्ता क्रेनों के जरिए हाईवे पर अवरोधों को हटाते देखे गए। पुलिस कार्रवाई में 15 पीटीआई कार्यकर्ताओं के घायल होने की भी खबर है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में इमरान की पार्टी की सरकार, तो वहीं पंजाब में नवाज शरीफ के भाई शाहबाज शरीफ मुख्यमंत्री हैं। यहीं हारूणाबाद ब्रिज पर सबसे ज्यादा टकराव होने की खबर है। यहाँ हेलीकॉप्टर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। इस बीच इमरान खान ने कहा कि अवैध गिरफ्तारियों को रोकने के लिए अदालत से दखल देने की मांग करना या न्यायपालिका पर दबाव डालना है। इमरान ने कहा कि हम अदालत से पूछना चाहते हैं कि पीटीआई कार्यकर्ताओं को पीटे जाने और महिलाओं को गिरफ्तार किए जाने पर आवाज उठाना क्या गुनाह है? क्या ये अदालतों पर दबाव डालना है?
ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका कितना फायदा भारत को होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता। ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर गालियां दी थी, और अब नवाज शरीफ हो या इमरान खान, चाहे पाकिस्तान में सत्ता किसी की भी हो, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सत्ता वहाँ फौज की चलती है। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपने जो सुरक्षा है उसको और ज़्यादा कड़ी करे और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की जो आतंकवादी समर्थित देश की छवि बन रही है उस छवि को और पुख्ता करे। उधर इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहाम ने दावा किया है कि क्रिकेटर से नेता बने इस शख्स से पिछले साल जब उन्होंने शादी की सालगिरह का उपहार मांगा तो उन्होंने उन्हें तलाक दे दिया। रेहाम ने एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल में कहा कि पिछले साल 31 अक्टूबर को मजाक में उन्होंने कहा था कि वो शादी की सालगिरह से पहले उपहार चाहती हैं, तो इमरान ने उन्हें तलाक दे दिया। अब वो इस बात की दुआ करती हैं कि पाकिस्तान के साथ भी इमरान कुछ ऐसा ही ना करें। इमरान खान का टीवी पत्रकार रेहाम के साथ शादी के महज 10 महीने बाद ही तलाक हो गया था। ऐसे में भारत को बेहद ये सतर्क रहना होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी राजनीतिक हलचल हो रही है वो उसको लेकर भारत अपनी रणनीति क्या बनाता है। इस बीच जासूसी के आरोप में पाकिस्तानी दूतावास के एक अधिकारी को भारत से निष्कासित करने की घटना के बाद पाकिस्तान नई दिल्ली स्थित भारतीय उच्चायोग से अपने 4 और अधिकारियों को वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। इस्लामाबाद वापस लौटे पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी महमूद अख्तर ने आरोप लगाया है कि भारत में उसे हिरासत में लेने के बाद एक पुलिस थाने ले जाया गया जहां उससे एक लिखित बयान लिया गया कि उसका संबंध पाकिस्तान की ISI से है। इस बीच जासूसी कांड के खुलासे के बाद पाकिस्तान 4 और अधिकारियों को इस्लामाबाद वापस बुलाने पर विचार कर रहा है। इन 4 अधिकारियों में कमर्शियल काउंसलर सैयद फरूख हबीब, फर्स्ट सेक्रेटरी खादिम हुसैन, मदसर चीमा और शाहिद इकबाल भी शामिल हैं। और अब अदालत की दुनिया से बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने गुवाहाटी और दिल्ली हाई कोर्ट में जजों की भर्ती के लिए 10 नामों को हरी झंडी दिखा दी है। राष्ट्रपति से अनुमति हासिल करने के लिए जजों के नामों को उनके पास भेजा गया है और अब ये उम्मीद जगी है कि जल्द ही अन्य पदों को भी भर दिया जाएगा। इसे क्या संयोग ही कहा जाएगा कि सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में प्रधान न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर ने हाईकोर्ट में जजों की कमी का मुद्दा उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनौतियों से जूझने की बात कही और देर रात केंद्र सरकार ने दिल्ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए भेजे गए 10 जजों के नामों को हरी झंडी दिखा दी। केसेस आर फ्लोइंग इनटू कोर्ट्स इन लार्जर नंबर्स टुडे एंड वेयर कैन इट बी फेल्ट मोर देन इन दिल्ली। आई थिंक इट इज natural that Delhi judiciary will come under tremendous pressure in the times to come, given the fact that there are difficulties in keeping pace with the avalanche of cases that keeps coming on courts whose number remains limited. तो चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन चुनौतियों से भागना इंसान का स्वभाव नहीं होता है, चुनौतियों से रास्ते। दिल्ली हाईकोर्ट के स्वर्ण जयंती समारोह में मोदी ने जजों की गंभीर मुद्दों पर चुटकी ली और माहौल को हल्का करने की भी कोशिश की। मुझे कभी कोर्ट में जाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सुना है कि वहां बड़ा गंभीर वातावरण होता है और शायद उसका प्रभाव यहां भी नजर आ रहा है। पचास साल का अवसर मना रहे हो, कुछ तो मुस्कुराइए। प्रधानमंत्री ने जजों की नियुक्ति के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की और बेहतर काम के लिए अदालतों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सरकार को ही सबसे बड़ा मुकदमेबाज करार दिया। सबसे बड़ा लिटिगेंट सरकार होती है, हर मसले पर सरकार भिड़ती रहती है। जस्टिस TS ठाकुर लगातार जजों की कमी का मुद्दा उठाते रहे हैं और इस मुद्दे पर शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जजों की नियुक्ति की देरी पर उन्होंने सरकारी अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना की चेतावनी तक दे दी थी। दिल्ली और गुवाहाटी हाईकोर्ट के जजों के नाम राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजे गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट में 5 जजों की नियुक्ति न्यायिक सेवा परीक्षा के तहत होगी।
जबकि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 5 जजों की नियुक्ति बार और राज्य न्यायिक सेवा के तहत होगी। केंद्र सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए भी 35 जजों की नियुक्ति पर विचार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और एक नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी न्यायपालिका से जुड़ी खबरों पर। सोनिया गांधी के खिलाफ धर्म के नाम पर वोट मांगने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। जस्टिस अनिल आर दवे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई हिंदुत्व मामले पर 7 जजों की बेंच के फैसले के बाद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका में सोनिया गांधी का रायबरेली से चुनाव रद्द करने की मांग की गई है। पुलिस एनकाउंटर की निष्पक्ष, प्रभावी और गहन जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तौर पर कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने PUCL बनाम महाराष्ट्र मामले में ये बात कही है। पहला ये कि अगर पुलिस को किसी गंभीर आपराधिक गतिविधि के बारे में कोई खुफिया जानकारी मिलती है तो इसे केस डायरी में या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दर्ज किया जाना चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने राज्य सरकार के बनाए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को भंग कर दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ये आयोग कोई कानून बनाए बिना ही गठित किया गया था। समता आंदोलन समिति नाम के एक संगठन ने आयोग के गठन को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि ये आयोग कानून सम्मत नहीं है, इसलिए इसे भंग किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रगान से संबंधित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाए जाने पर उसका कैसे अपमान हो सकता है। अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। जस्टिस दीपक मिश्रा और अमिताभ नारायण की बेंच ने श्याम नारायण चोकसे की याचिका पर सरकार से राय मांगी है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के किनारे निर्माण कार्य पर सुनवाई के दौरान नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल सरकार की दलीलों पर संतुष्ट नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए बेतरतीब निर्माण के आरोप लगे हैं। कृष्णा नदी और उसकी शाखाओं के बीच 7 भूखंडों पर काम चलेगा। निर्माण कार्य से खेती में बाधा और लोगों के निर्वासन का खतरा है। वादी ने विकास की योजनाओं को अमानवीय बताया है। और अब नजर डालते हैं अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की खबरों पर। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने कहा है कि अगर 8 नवंबर को होने वाले चुनाव में वह जीत दर्ज करती हैं तो अपने कैबिनेट में वह वर्तमान प्रथम महिला मिशेल ओबामा का खुले दिल से स्वागत करेंगी। और इस बीच खबर यह भी है कि हिलरी क्लिंटन डोनाल्ड ट्रंप से एक सर्वे के हिसाब से 1% से पीछे चल रही हैं। अपने विदेश मंत्री रहने के दौरान गुप्त ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले में FBI जांच से गुजर रही हिलरी क्लिंटन ने US की प्रथम महिला मिशेल ओबामा की भरपूर प्रशंसा की है। हिलरी ने कहा कि अगर वो चुनाव जीतती हैं तो मिशेल को अपने मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना चाहेंगी। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में हिलरी ने कहा कि वो दुनिया भर में लड़कियों की शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं और उसके लिए वो मिशेल को अपना सर्वश्रेष्ठ सहयोगी बनाना चाहेंगी। चुनाव प्रचार अभियान के अंतिम चरण में मिशेल ओबामा हिलरी के लिए शीर्ष सहयोगी बनकर उभरी हैं। मिशेल ने उनकी रैलियों में बड़ी तादाद में भीड़ को आकर्षित किया। हिलरी ने मिशेल की तारीफ में कहा कि बीते 8 वर्षों में उन्होंने न केवल सबको जोड़कर बल्कि जिस संजीदगी और उद्देश्य से बढ़कर जो भी किया वो अभूतपूर्व है। वाकई में वो स्नेह के काबिल हैं। कुछ दिन पहले ही हम साथ दिखे थे। इस बीच जानकारों का मानना है कि ईमेल सर्वर के इस्तेमाल के मामले में FBI जांच के बाद हिलरी को क्लीन चिट मिल जाएगी और अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बनने से पहले उनके ऊपर लग रहे सभी आरोपों से भी वो मुक्त हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इस बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है कि 8 नवंबर को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का गणित तेजी से बदल रहा है। रिपब्लिकन दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने एक सर्वेक्षण में अपनी डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी हिलरी क्लिंटन को पीछे छोड़ दिया है। ABC न्यूज, वाशिंगटन पोस्ट के ताजा सर्वे में उन्हें 46 और हिलरी को 45% मत मिले हैं। मई में सर्वेक्षणों का सिलसिला शुरू होने के बाद यह पहला मौका है जब ट्रंप अपने प्रतिद्वंदी पर भारी पड़े हैं। इसके साथ ही सभी सर्वेक्षणों पर नजर रखने वाली रियर क्लियर पॉलिटिक्स ने हिलरी की औसत बढ़त घटाकर 2.2 आंकी है। 2 सप्ताह पहले औसत बढ़त 8 अंकों से ज्यादा थी। हालांकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और मूडी मॉडल हिलरी की जीत की भविष्यवाणी पहले से ही कर रहे हैं।
तो देश की बात में अब बात करते हैं इतिहास की, और आज का दिन जिन मुख्य कारणों से प्रमुख है तो आपको हम बता दें कि आज ही के दिन आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। आंध्र पहला राज्य था जिसे मद्रास प्रांत से भाषाई आधार पर अलग कर 1 नवंबर 1953 को नया राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 1956 को कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई तो 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी, और 2006 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोपिंग मामले में गेंदबाज अख्तर पर 2 साल और मोहम्मद आसिफ पर 1 वर्ष का प्रतिबंध भी 1 नवंबर को ही लगाया था। 1 नवंबर 2007 में श्रीलंका की संसद ने देश के जातीय समस्या को सुलझाने के लिए आपातकाल की अवधि बढ़ाई थी। और अंत में बात करते हैं झील सी आंखों वाली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की, जिनका आज जन्मदिन है। ऐश्वर्या राय ही वो अकेली शख्स हैं जिन्होंने मिस वर्ल्ड होने के बावजूद मिस यूनिवर्स से ज्यादा शोहरत और प्रसिद्धि पाई। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को हॉलीवुड से जोड़ने में ऐश्वर्या की अहम भूमिका रही है, जिसका फायदा आज प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को भी मिल रहा है। भारत में ऐश्वर्या राय पुरुषों के दिलों पर तो राज करती ही हैं, करोड़ों महिलाओं के लिए भी रोल मॉडल हैं। घर और करियर दोनों किस तरह से बिल्कुल संभाला जा सकता है, इसे ऐश्वर्या से सीखा जा सकता है। ऐश्वर्या राय ने बहुत सारी यादगार फिल्में की हैं, तो आपको उनके जन्मदिन पर उन पर फिल्माए गए कुछ चुनिंदा गीतों के साथ छोड़ जाते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Kajra re, kajra re, kajra re.